नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल थाना अंतर्गत कपाली ओपी अंतर्गत टीओपी चौक प्रशांत मेडिकल के बगल में स्थित अमन मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में 4 अक्टूबर 2024 को मोहम्मद तौसीफ हुआ काले रंग के मोटरसाइकिल पर सवार दो अन्य लोगों के द्वारा मोबाइल दुकानदार मोहम्मद हमीद अली के साथ मारपीट एवं जान मारने के नियत से मोबाइल दुकानदार के ऊपर पिस्तौल तान दिया गया था एवं खींचाताने के क्रम में पिस्तौल टूट गया था। इस संबंध में मोहम्मद हमीद द्वारा आर्म्स एक्ट 1959 व अन्य धाराओं के अंतर्गत कपाली ओपी में मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद इस कांड में संलिप्त अभियुक्तों की पहचान करते हुए गिरफ्तारी हेतु वरीय पदाधिकारी के निर्देशन में लगातार छापेमारी की जा रही थी। वहीं आज दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्य के आधार पर इस कांड में संलिप्त एक अपराधकर्मी मुबारक अंसारी उम्र 24 वर्षीय पता डांगोडे रहमत नगर फिरदौसिया मस्जिद के पास कपाली थाना चांडिल ओपी को गिरफ्तार किया गया। वह इनके पास से लोहे की बनी देसी पिस्तौल जिसके ऊपर 7.65 mm मेड इन यूएसए अंकित है एवं पिस्तौल जिसका मैगजीन टूटा हुआ था जिसे घटना में इस्तेमाल होने के बाद अभियुक्त ने अपने घर पर छुपा दिया था उसे भी जब्त किया गया। साथ ही काले रंग का स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल संख्या GH056-6706 तथा आसमानी रंग का रेडमी कंपनी का रेडमी नोट 9 प्रो मोबाइल फोन को भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त मुबारक अंसारी को आज दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को माननीय न्यायालय में उपस्थान कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कांड में शामिल अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। सुबह करीब 11 बजे के आसपास एक मोबाइल दुकान में एक मोटरसाइकिल सवार कुछ अपराधकर्मियों द्वारा हथियार का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल लूटने का प्रयास किया गया था। उसी क्रम में जब जो वादी था उसके द्वारा विरोध किया गया और आपस में उसको रोकने का प्रयास किया गया तो जो पिस्टल वो ताना हुआ था पिस्टल का मैगजीन टूट के वहाँ गिर गया था और अपराधकर्मी वहाँ से भाग खड़े हुए थे। तो इस संदर्भ में कपाली कांड संख्या 227-24 दर्ज करते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया गया और बराबर इसमें छापेमारी विगत कुछ दिनों से की जा रही थी। तो आज रात्रि मानवीय आसूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस घटना में को पारित करने वाले एक प्राथमिकी अपराधकर्मी मोहम्मद मुबारक अंसारी जो कपाली का ही रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से घटना में प्रयुक्त एक लोहे का बना देसी पिस्टल एक घटना में प्रयुक्त वाहन तथा एक मोबाइल को बरामद किया गया है। इस कांड में जो संलिप्त अन्य अपराधकर्मी है उनकी भी पहचान हो गई है और उनकी गिरफ्तारी हेतु बराबर छापामारी की जा रही है। के खिलाफ इससे पहले कोई आपराधिक मामला अभी तक ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। हम चूँकि रात में ही गिरफ्तारी हुई है और इसको अभी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है उसका आपराधिक इतिहास भी प्लानिंग घटना को पारित किया है और पैसे को लेकर भी कुछ विवाद था तो उसी के चलते संभवतः ये लोग मोबाइल छीनने का प्रयास कर रहे थे। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।